दोस्तों ये मेरा आईबॉल का कारेडर है, खराब हुआ था तो इसका ये सॉकेट खराब है। ये सॉकेट ओके है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मार्केट में ये चाइना का कारेडर आता है उसका ये सॉकेट में यहाँ चेंज करने वाला हूँ। तो ये कैसे निकालना है, आपका सोल्डरिंग का स्किल कैसा है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा स्किल आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे निकालना है। तो आपको इसको हॉट गन वगैरह नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, जल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर किंग ऑफ फ्लक्स जो मैंने आपको बताया था वीडियो में वो यूज करने वाला हूँ। वो खत्म हो गया, इतना देखो इतना रह गया। इसको मैं निकालता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। देखो मित्रों ये निकल गया है, ये वाला। अभी ये निकालना पड़ेगा। ये भी निकल गया, ये पिछली वीडियो में आपको ये क्लीनिंग के लिए थिनर यूज करता हूँ, ये मैं इस पे लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ। या एक पॉइंट यहां से कट हो गया है, देखिए यहां से यहां तक, तो इसका कुछ ये नहीं, ये लॉकिंग का पॉइंट है, ये पहले से डैमेज था। देखिए ये वाली लॉकिंग, ये पहले से डैमेज था। देखिए यहाँ पे लेट गए, अभी यहाँ पे पेस्ट अप्लाई करेंगे, वही अपना किंगो वाला किंगो। फिक्स हो गया।
अच्छे क्वालिटी का फ्लक्स यूज करने से फायदा क्या होता है, जो सोल्डरिंग होता है वो क्लीन होता है, जो क्लीन होता है शॉर्टिंग का चांसेस कम रहता है। अब इसको सही से देख लेता हूं मैं। हमने फ्लक्स यूज किया है इधर, ये देखिए सोल्डरिंग बढ़िया हो गया। मैं मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसके लिए कुछ आउट फोकस भी होता होगा शायद। दोस्तों ये दो पॉइंट जो है वो अपने को शॉर्ट करने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये लॉक का पॉइंट था इधर। अभी ये जो सॉकेट है इसको लॉक नहीं है, तो हम ये दोनों शॉर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे उनका पॉइंट निकाला है, अभी ये दोनों में शॉर्ट कर दूंगा होगा शायद। ये हो गया फिक्स। अभी इसको सपोर्ट की जरूरत होगी तो देंगे, नहीं तो इसको फेविक्विक नीचे से डाल के ये पैक कर देंगे इसको। तो ये कार्रेटर अपना ओके हो गया। कभी कभी क्या होता है, जब हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं ना, तो ये पिन है ना अंदर का, वो बेंड हो जाता है, उसकी वजह से मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं होता। तो ये पूरा कार्रेटर मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 400-500 रुपये खर्चा आएगा 3.0 वाला। तो आप खाली ये पोर्ट बदल लो तो भी काम चल जाता है आपका, और कार्रेटर का स्पीड बढ़िया है, आईसी बेस्ड कार्रेटर है, उसकी वजह से मैंने इसको रिपेयर किया। नहीं तो मार्केट में कम रेंज में भी कार्रेटर मिल जाते हैं, लेकिन ये बढ़िया कार्रेटर है, आईसी बेस है और आईबॉल कंपनी का है, बढ़िया कार्रेटर है। तो इस तरह मैंने इसको रिपेयर कर दिया। अभी ये देखिए, ये एक कार्रेटर से मैंने इसको निकाला, इधर डाला। इस तरह से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं कार्रेटर। अभी ये उसका प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पे, और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। देखिए यहाँ का छोटा,